तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो अभी होली आने वाली है, तो आपको एडवांस में होली की शुभकामनाएं। तो होली के लिए मैं एक गैजेट बनाने वाला हूँ जो आपको पसंद आने वाला है। तो गैजेट के बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिएगी वो जो मैं आपको पूरा बता दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने बहुत लॉकेट बनाया था, तो वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करके आप दे सकते हो और देख के वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना कैसे लगे वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास मेन चीज है ये बोतल, आप देख सकते हो। अभी ये बोतल आप खराब भी ले सकते हो या टूटी जिप के बाड़े में पड़ी रहती है, उधर से भी लेके आ सकते हो, तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको। तो एक ये बोतल है और इसके अलावा हमारे पास है ये वाल्व, ये वाल्व, ये पाइप, और ये पाइप का ये प्रेशर कंट्रोलर है। चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम इसके कैप के साथ कुछ करने वाले हैं, तो इसके कैप को खोल लेते हैं और ये बोतल को एक तरफ रख देते हैं। तो ये हमारे ये कैप रहा, तो इस कैप के ऊपर हमको इस वाल्व को फिट करना है। तो इसके ऊपर ध्यान देते हैं पहले। तो इसके अंदर हम इस वाल्व को फिट करने वाले हैं। तो पहले इसके मिड पॉइंट पर इसको हमें होल करके इसको फिट करना है। तो मैंने इसके होल कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पे। अब इस वाल्व को इसके अंदर फिट करना है। तो उससे पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके वाल्व के पीछे ही ट्यूब है तो अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक ट्यूब के टुकड़े का यहाँ पे गोल साइज का काट लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो इस तरह के दो काट लिए हैं। तो इनके मिड साइड में भी होल कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के होल भी कर लिए, पहले तो इसको लगा देते हैं। तो इसको लगाने से पहले हम इसके अंदर ग्लूगन लगा के फिर इसको फिट करेंगे। तो इसके ऊपर ग्लूगन लगा लेके मैं इनको फिट करके डायरेक्ट आपको बता ही देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लूगन लगा के इनको इस तरीके से कर दिया है। अब इसके ऊपर इस कैप को लगा देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे आप देख सको बिल्कुल इसको टाइटली यहाँ पे कस दिया है और यहाँ पे इसको भी लगा देता हूँ। तो मैंने इसको भी कस दिया है यहाँ पे। ढक्कन का तो काम खत्म हो गया, इसको एक तरफ रखते हैं, अब बोतल को लेके आते हैं। तो ये रही हमारी बोतल, आप देख सकते हो इस बोतल को, इसके अंदर कुछ वर्क करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके हमको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक होल करना है जो ये पाइप इसके अंदर फिट हो जाए। तो इसके अंदर यहाँ पे होल करके मैं इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर क्यूब से लगा के आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस पाइप को भी अच्छे से फिट कर लिया है, फिर क्यूब से चमका के बढ़िया। और आप पाइप अपने हिसाब से लंबा रख सकते हो या छोटा भी रख सकते हो, अपने हिसाब से आपका हाथ नहीं जितना लंबा हो उतना ही आप ले सकते हो। तो इसका भी काम हो गया ख़त्म। और अब आते हैं इसकी डिजाइन पर। तो मैंने यहाँ पे एक पीवीसी पाइप की शीट पर कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से इस साइड 2.5 और यहाँ पर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी 7.5, यहाँ पे इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस पीस को काट के इसके जैसे दो पीस हमको काटने हैं। तो मैं जल्दी से इसके दो पीस काट लेता हूँ। मैंने उसके ऐसे दो पीस निकाल लिए, आप देख सकते हो इस तरीके से गन टाइप के। अभी आप
दिखा देता हूँ। अब हमको इसका पाइप का कंट्रोलर लेना है, इसका भी दिखा देता हूँ। अब इसको हमें इस टाइप से पीछे की तरफ लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पीस और काटे हैं इस गन को पूरा करने के लिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चिपकेगा, ये गन टाइप का बन जाएगा। एक इधर चिपकेगा, एक इधर, और ये ऐसे चिपक जाएगा। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं चिपका के। तो हमको इसके इस नीचे वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे छेद करना होगा, ताकि हमारा पाइप इसके अंदर से जा सके, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हमको इसके अंदर छेद करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे छेद कर लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे आपका पाइप जितना मोटा हो उतना हिसाब का आप यहाँ पे छेद कर सकते हो। तो मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे छेद कर दिया है। अभी इस ये पाइप आप देख सकते हो आराम से इसके अंदर इजली आ रहा है। अभी देख सकते हो, यहाँ दिखा देता हूँ, पाइप कुछ इस तरीके से आएगा इसके अंदर से, इस तरीके से ये यहाँ फिट होएगा। और ये यहाँ पे लगने के बाद में यहाँ से इसका प्रेशर पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होगा। इसको पैक कर दूंगा मैं यहाँ से, गन को मैं जल्दी से चिपका देता हूँ। इसको इस तरीके से लुक दे दिया है, आप देख सकते हो। फिर दिखा देता हूँ, इसके पीछे मैंने इसका ट्रिगर लगा दिया है इधर। इसको नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और नीचे मैंने इसको छेद रख दिया, ऊपर से मैंने एक कूलर रखा है, इसमें पाइप डालेंगे तो उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए मैंने इसको खुला रख दिया है। बाद में इसको यहाँ से चिपका देंगे इस तरीके से। और इसका ऊपर वाला भाग ये रहा, कुछ गन टाइप का हमारा बन जाएगा इस तरीके से। और हम पिचकारी बना इस पिचकारी के रूप में इसको देख सकते हैं। और इसके आगे मैंने इसका पीस इस तरीके से काटा है, आप देख सकते हो। इसके आगे में तो मैंने इसको प्रेशर धारदार बनाने के लिए मैं इस पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इस पेन ये निप्पल को भी निकाल लिया, हमें सिर्फ इसके आगे वाला पॉइंट चाहता है। इसके मैंने आगे वाला निप्पल भी निकाल दिया है और ये पीछे इस तरीके से बच गया है। अब इसके पीछे पाइप लगा के हमें इसका प्रेशर पॉइंट मिल जाएगा और इसके आगे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो मैं इसके अंदर छेद करके इसको फिट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है पाइप में, इस बोतल के पाइप में इस तरीके से, और इसके अंदर छेद कर लिया है। और इस तरीके से भी ये फिट हो जाएगा यहाँ पे इसके आगे, तो भी इसके यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा प्रेशर पॉइंट बन जाएगा पिचकारी का। तो इन सारे सिस्टम को मैं रेडी करके आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो भी आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन दे दिया है। और इधर पीछे का ट्रिगर रख दिया है इसके अंदर से, जिसके अंदर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी इसको हम पूरी तरीके से पैक करने वाले हैं ऊपर से भी इस तरीके से। तो मैं इसको भी चिपका देता हूँ। अभी मैं आपको वहाँ पर पूरा फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ कि कैसी है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी बोतल, और ये हमारी इसकी पिचकारी देख सकते हो। आप इस पर चाहो तो कुछ कलर भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने कलर इस पर नहीं किया है। तो भी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे हाथ में पूरी अच्छी तरह से आ जाएगी, ग्रिप भी अच्छी है इसकी अभी। और यहाँ पे इसकी पिचकारी टाइप का और अच्छा लुक दे रहा है ये। यहाँ से हम जिसको इसको इस तरीके से नीचे करेंगे, यहाँ तक ये बंद रहेगा, पूरा बंद रहेगा। और जैसे ही हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर करेंगे तो ये पूरा चल हो जाएगा हमारा। फिलहाल मैं ऐसे ही टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। आप अभी देख सकते हो कितने दूर तक जा रहा है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ से देख सकते हो
बहुत दूर तक जा रहा है, ऊपर तक। तो अभी पानी इसलिए मैं भर के बताया आपको, इसके अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज मैं बताऊंगा आप इसका यूज कैसे और किस तरह से वो कर सकते हैं होली के अलावा भी। तो चलिए दूसरे यूज में इसके। तो इसका यूज ये है कि हम इससे गाड़ी भी धो सकते हैं, तो आप अपनी फॉर्चुनर भी धो सकते हैं। दिखा दे रहा हूँ इसका प्रेशर बहुत देर तक रहता है, देख सकते हो भी, तो आराम से आप धो सकते हो गाड़ी वाड़ी। अभी आपको जो कभी दिखा रहा हूँ, कम पानी पानी भी कम लगेगा और अच्छे से धुलाई भी हो जाएगी। इसकी आवाज़ सुन सकते हो भी, बहुत अभी पानी खत्म हो गया है इसमें, तो यह हवा ही है। तो अभी हम यहाँ पे पहले मैं डाल लिया है, इसमें कलर भी कर लिया मैंने, तो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हो पानी भी बहुत दूर तक जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो बहुत देर तक चलेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। तो अभी भी चल रहा है, जब तक इसमें हवा खत्म नहीं होगी चलता ही रहेगा। तो इसको ऑफ करने के लिए नीचे करना होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक। तो ये तो इसकी एक यूज हो गया, इसके अलावा आप तो साफ सफाई के लिए बहुत यूज कर सकते हो इसको। तो इसको अभी होली है तो होली के लिए इसमें कलर डाल के फिर आपको एक बार कलर डाल के भी इसकी टेस्टिंग करा के दिखा देता हूँ कि कलर में कैसा वर्क करती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, तो वीडियो नहीं भेजूंगा मैं तो आपके सबसे पहले वीडियो पर जाएगी। तो जाने से पहले आप इन दोनों वीडियो में से कोई सी भी वीडियो देख लेना और वीडियो देख कर कमेंट जरूर करना है कैसी लगी वीडियो। अगर आपको आइडिया पसंद आया हो इन दोनों वीडियो में से तो वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे मज़ेदार प्रोजेक्ट और नॉलेज के साथ।